Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. क्या अपडेट है? हारिस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम की क्या पोजीशन है? क्रिकेट की ट्रॉफी तो ग्रीन टीम ही लेगी, आखिर कैप्टन कौन है इसका? हाँ, लेकिन हमारी फुटबॉल टीम जरा खतरे में है क्योंकि रेड टीम बहुत फॉर्म में है और हमारी फुटबॉल टीम के दो मेन प्लेयर्स जाकिर और नासिर को बुखार होने की वजह से हम लोगों की पोजीशन जरा कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वो दोनों फाइनल मैच से पहले इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी एक हफ्ता है मैच में। वैसे दोनों को एक साथ बुखार हुआ कैसे? दरअसल लास्ट मैच खेलने के बाद दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो बस हो गया गला खराब। भाई हमारे घर में तो कोल्ड ड्रिंक मना है, ना खुद पीते हैं और ना ही मेहमानों को सर्व करते हैं, सिर्फ मिल्क शेक या फ्रेश जूस। अब ऐसा भी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ ही दें, कभी कभार पीने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, अगर आपको अपनी सेहत पर फोकस करना है और फिट रहना है तो। बस यार दुआ करो कि जाकिर और नासिर जल्द सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि वो दोनों हमारी फुटबॉल टीम के मेन प्लेयर्स हैं। ऐसा करते हैं, शाम को उनकी तरफ चलते हैं, उनकी खैरियत मालूम करने। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अच्छा किया आ गए, तुम लोगों के आने से जाकिर और नासिर खुश हो जाएंगे। मैंने दोनों को सरकारी अस्पताल में दिखाया है, लेकिन जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी हैं, वो अस्पताल में मयस्सर ही नहीं है। अंकल, क्या आप मुझे वो दवाइयों का पर्चा दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अंकल, कुछ दिन पहले जब मैं बीमार हुआ था तो मैंने यही दवाइयाँ खाई थी, मुझे लगता है मेरे पास ये दवाएं हैं, हम बस थोड़ी देर में ये दवाइयाँ लेकर आते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अम्मी, मेरे दोस्त जाकिर और नासिर काफी बीमार हैं। उन्हें भी डॉक्टर ने वही दवाएं लिख के दी हैं जो पिछले वीक मैंने खाई थी और वो बच भी गई थी। क्या आप वो दे सकती हैं? यस, थैंक यू अम्मी। अम्मी, मैं ये दवाएं पहुंचाकर बस अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका सिला दे। अंकल, बस अब आप ये दवाएं शुरू करवा दें ताकि जल्द ही दोनों सेहतयाब हो जाएं। और फिर कोई मुकाबला नहीं, दूर दूर तक। हारिस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कल जाकिर और नासिर के घर जाके अकलमंदी की। हाँ बिल्कुल यार, बहुत अच्छा हुआ कि दवाएं टाइम पर मिल गई। वैसे इतनी महंगी दवाएं लेना हर किसी के लिए आसान नहीं है। हमारे घर में भी दो तीन बॉक्स दवाइयों से भरे रहते हैं। मेरे ख्याल से हर घर में कुछ ना कुछ दवाएं तो होती ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें चाहिए कि हम इन दवाओं को सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टोर में जरूरतमंदों के लिए डोनेट कर दें। बिल्कुल सही कहा, इतनी महंगी दवाएं होती हैं और घर में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं। इससे बेहतर है कि किसी के काम आ जाए। हम सबको इस नेक काम में देर नहीं करना चाहिए। अबू, जो दवाएं बच जाती हैं हमें उन्हें सरकारी अस्पताल में डोनेट कर देना चाहिए। बेटा तुमने सही कहा, हम कितनी दवाइयाँ एक्सपायर होने की वजह से फेंक देते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम सिर्फ वही दवाएं डोनेट करें जिन पर एक्सपायरी डेट हो और वो सील्ड भी हो। सुनिए, कल मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, आप सारी दवाएं निकाल दीजिएगा ताकि कल ही हॉस्पिटल में जमा करवा दूं। हमारी फुटबॉल टीम के प्लेयर जाकिर और नासिर बीमार हो गए थे और उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी, बट थैंक्स, हारिस ने वो दवाएं उन्हें पहुँचा दी। बेटा, जंक फूड छोड़कर अगर हेल्दी खाने की आदत डालोगे तो ना तो बीमारी आएगी और ना ही दवाइयों के झंझट में पड़ोगे। दादी ने बिल्कुल ठीक कहा, हेल्दी फूड खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फ्रेश फूड, दूध, अंडा, सब्जी वगैरह खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और जंक फूड खाने से आप बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाते और स्कूल एक्टिविटीज में भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन दादी, कभी कभार तो खा सकते हैं। हाँ ठीक है, कभी कभार, लेकिन हर वक्त बिल्कुल नहीं। मैं वेट करता हूँ। एक्सक्यूज मी,
बेगम तुमने देखा, मेरे बराबर में जो शख्स खड़ा था वो अपने घर की बची हुई दवाएं यहाँ लाकर जमा करा रहा था। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सबको मिलकर इस नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने घर की बची हुई दवाओं को बाकायदगी से हॉस्पिटल में जमा करा देना चाहिए। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। ब्लू टीम और रेड टीम आमने सामने हैं और कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीमों में बहुत जोश और खरोश देखा जा रहा है। अब देखना ये कि हमें अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, चाहे कितनी ही मसरूफियत क्यों ना हो, हमें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, ब्लू टीम एक गोल की बढ़तरी पर है और रेड टीम को मिली है एक प्लेंटी किक। अब देखना यह है कि ब्लू टीम की बढ़तरी बरकरार रहती है या नहीं। रेड टीम के प्लेयर किक के लिए तैयार है और ये किक और ये गोल। नाज़रीन, रेड टीम और ब्लू टीम नौ नौ गोल से बराबरी पर है और ये दूसरी प्लेंटी किक। अब देखते हैं कि ब्लू टीम के गोलकीपर गोल रोक पाते हैं या नहीं। गोल रोक लिया। ब्लू टीम के गोलकीपर ने बहुत ही शानदार तरीके से गोल को रोका है और गोलकीपर की शानदार हिट और बॉल अब आ गई है ब्लू टीम के जाकिर के पास और जाकिर ने पास किया नासिर को। नासिर गेंद को लेके आगे बढ़ने और ये शानदार हिट और गोल रोक लिया। बड़ी खूबसूरती के साथ गोलकीपर ने गोल को रोक लिया है। नाज़रीन, अब बॉल आ गई है रेड टीम के पास और वो गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हिट और गोल नहीं कर पा। ब्लू टीम के गोलकीपर किसी सोच में है और ये उनके सर पे बॉल लगी। रेड टीम के पास दोबारा बॉल और ये हिट। गोलकीपर ने बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को रोक लिया है और बॉल अब आ गई है ब्लू टीम के जाकिर के पास। जाकिर ने लगाई शानदार हिट और देखते हैं कि क्या होता है और ये गोल। नाज़रीन, ब्लू टीम एक गोल की बढ़तरी से पाते टीम खराब पाए। भाई आज तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। दादा जान, असल जीत का हकदार तो हारिस है जिसकी वजह से हम खेलने के काबिल हुए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। हाँ, लेकिन ये बात तो तय हो गई, आज से कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड बिल्कुल बंद। ठीक है, आज से हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। चलो फिर, जीत की खुशी में तुम सबको आज मैं अपने घर पे फ्रेश जूस पिलवाता हूँ।